अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। किस तरह इंसान वहशी बनता जा रहा है, इसकी मिसाल कई बार देखने सुनने को मिल रही है। बेलगाम में पिछले कुछ ही दिनों में आटो नगर कंगरा गली में पैदाइश बच्चों को फेंकने की वारदातें पेश आई, लिहाजा आज गटर प्रवाह में एक और बच्चे की लाश को गटर से बहते हुए देखा गया, जिसे देखकर वहां की आवाम भी चौंकना हो गई। फहश हुरियानियत का बढ़ता दायरा माशरे को तबाही की ओर ले जा रहा है। एक जान एक जिंदगी कितनी कीमती होती है, कभी गलत कामों की वजह से तो कभी लड़की पैदा होने पर इस तरह की हैवानियत का मुजाहरा कुछ घटिया लोगों की जानिब से किया जाता। खैर, इस पर मजीद बोलना भी अच्छा नहीं लगता। किसी और मोहल्ले से बहता हुआ मटन मार्केट गली में बच्चे की लाश पाई गई की इत्तला हासिल है। मामला घटप्रवार थाने में दर्ज किया गया। बेलगाम भाजपा के साबिक एमएलए अनिल बेनके को रियासती भाजपा के ऊंचे ओहदे पर फाइज करने की इत्तला हासिल हुई है। भाजपा रियासती सदर येडियुरप्पा के फर्जंद विजेंद्र को बनाया गया तो नायब सदर के तौर पर अनिल बेनके को बनाया गया, इसकी खबर हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी अपना जोर खम लगाने के चक्कर में, लिहाजा कर्नाटक के लिए जिम्मेदारी फिर से रणदीप सुरजेवाला को दी गई है। धर्मनाथ सर्कल के करीब एजेसी कंस्ट्रक्शन के सामने ड्रेनेज की पाइप फटने से रास्ते पर बदबू फैल गई है। कई बार यहां के आवाम की जानिब से कारपोरेशन या स्मार्ट सिटी महकमा को फरियाद करने पर भी नजरअंदाज किया जा रहा है, लिहाजा यहां के आवाम के लिए और बच्चों के लिए भी सेहत का मसला हो रहा है ऐसा बताया गया। जब कोरोना को लेकर बेदारी चलाई जा रही है तो क्या इस गंदगी की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी, ऐसा सवाल यहां के आवाम की जानिब से किया जा रहा है। अब कुछ दिगर खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। यूपी में गोया मुसलमानों पर जमीन तंग करने की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। सुबह की अजान के वक्त आवाज को कम करने के बहाने कुछ हिंदुत्ववादी और पुलिस मस्जिदों में जाकर मुअज्जिन को तंबी देते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और हिंदुत्ववादी तंजीम के अफराद मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। एक और वीडियो आज का ही है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जानबूझकर मस्जिद पर जय श्री राम लिखा जा रहा है और उसका वीडियो भी बना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर इस तरह की शरारत वहां करते हुए देखा जा रहा है। वहां के आवाम का कहना है कि इस तरह की शरारत तत्वों के ऊपर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करते हुए नहीं देखा जा रहा। आइए देखते हैं वीडियो। ये मस्जिद है डेलीगेट मस्जिद, इस पर लिख के गए जय श्री राम। ये मस्जिद है डेलीगेट चौड़ाएगी, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, मस्जिद है ये। वाले अभी आए, बिल्कुल अभी आए ये लोग सब। डेलीगेट मस्जिद है चौड़ाए की। पहले जो निवेदन किया था मैंने, आवाज है ना, दोबारा नहीं बजे। धन्यवाद आपको, आप आए उसके लिए। काम करें ना, वॉल्यूम कम कर लीजिए, होता हमारे। हाँ हाँ धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई, क्या शुभ नाम आप सर? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, धन्यवाद। अब आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अब सोशल मीडिया पर भी पाबंदी की साजिश। जी हां, मोदी हुकूमत अपना तसल्लुत और वजूद हर जगह पर दर्ज करने की फिराक में है। हाल ही में 146 संसदों को पार्लियामेंट से ही बाहर करके साफ इशारा दिया कि हम करें सो कानून। पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, फिर आने वाले लोकसभा चुनाव पर और मुसलमानों की बेहिसी पर। खैर, गोदी मीडिया की बढ़ती बदनामी, लोगों में न्यूज चैनलों को लेकर बेदारी और अखबारों से लेकर तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया पर बजाय सत्ता से सवाल करने के विपक्ष को घेरने और इन्हें ही कटघरे में खड़ा करने की मुस्तकिल कोशिश, लिहाजा कुछ पत्रकारों ने अपनी गर्भबंदी का सबूत देते हुए गोदी मीडिया से बाहर हो गए और सोशल मीडिया का सहारा लिया। जाहिर है अब मीडिया सोशल मीडिया के सांचे में ढलता जा रहा है, पर इस दौर के हुक्मरानों को यह भी देखा नहीं जा रहा। पार्लियामेंट में 3 नौजवानों ने घुसकर स्मोक बम का इस्तेमाल किया और मुल्क की सुरक्षा को ही एक तरह से चुनौती दी। खैर, इस पर विपक्ष और भी शिद्दत अख्तियार करते हुए धरने एहतजाज करना था, लेकिन उस हद तक शिद्दत नजर नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में घुसपैठ करने वाले नौजवानों ने, घुसपैठ एक जुर्म तो था ही, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो भी जायज थे। उन घुसपैठियों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। बेरोजगारी को और भी अच्छे अंदाज में विपक्ष एहतजाज करता तो शायद तस्वीर कुछ और होती है, ऐसा कई लोगों का कहना है। लेकिन महज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट कर आराम करना ही बेहतर समझा और दूसरी तरफ मनमानी फैसला लेते हुए विपक्ष को ही सस्पेंड कर दिया। इसी दौरान एक बिल को मंजूरी दी गई और वो है ब्रॉडकास्ट बिल। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा वसी होता जा रहा था। सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब चैनल, मोदी हुकूमत की गिरफ्त में भी नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को डरा धमका, यकीनन मुकदमे भी दायर किए, लेकिन उसके बावजूद एक चैलेंज मोदी हुकूमत के सामने सोशल मीडिया का था और मोदी हुकूमत और तानाशाही के खिलाफ खुलकर बोल भी रहे थे। जाहिर है न्यूज चैनलों की गिरती साख और भारत के तानाशाह मोदी को यह खौफ सता रहा था कि कहीं सोशल मीडिया इनके नफरती एजेंडों को नुकसान न पहुंचाए। बिल्कुल हिटलर के दौर के तानाशाही की तरफ सोशल मीडिया पर भी नकील कसने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल, यानी अब यूट्यूब को भी हुकूमत के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जाहिर है हुकूमत के पास जाओगे तो इनकी कई सारी शर्तें होंगे, बहुत सारे इनके मुतालबे होंगे और इसे कबूल करना होगा। और इसी तरह से जो आजाद सहाफत सोशल मीडिया के जरिए चल रही थी, उसका भी गला घोटने का रास्ता हमवार कर लिया गया। खासकर उर्दू मीडिया के लिए भी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि मुस्लिम माशरे में मीडिया को लेकर बेदारी न के बराबर है। और जो भी यूट्यूब चैनल जो चल रहे हैं, जो मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो कहीं तो भी मुसलमानों की ही एक तरह से हिमायत कर रहे हैं। इसका एहसास खैर इस कौम को नहीं है, ये एक अलग मामला है। खैर, जो हालात नजर आ रहे हैं उससे भी खतरनाक हालात आगे आने वाले हैं और इसका ट्रेलर ही एक हिसाब से मोदी हुकूमत ने 146 एमपी को सस्पेंड करके दिखाया। मतलब विपक्ष पूरी तरह से खत्म। अब जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और तकरीबन 90 दिन बाकी हैं, इसके नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछली मर्तबा भाजपा गठबंधन 303 की अक्सरियत से जीत दर्ज की थी, इस बार और भी ज्यादा सीटें भाजपा जीत सकती है, ऐसा कयास एग्जिट पोल की जानिब से लगाया जा रहा है। हुकूमत बनाने के लिए 272 की जरूरत है, पर इस बार 315 तक सीटें जीत सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर कहा जा रहा है तो इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि सामने विपक्ष कमजोर है, इंडिया गठबंधन में आपस में मेल नहीं है। कहीं कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ, सपा बसपा के खिलाफ, इस तरह कहीं पर भी तालमेल नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर मोदी की तस्वीर को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया है, हिंदुत्व का असर काफी ज्यादा हो गया है। मोदी नहीं तो भारत नहीं, ऐसा खेल आरएसएस से हिंदुत्व की जानिब से किया गया और रुपया भी उनके पास बहुत ज्यादा है। मोदी हुकूमत के पास ऑफिशियल 20,000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। तमाम मीडिया हाउसेस, चैनल्स, अखबार अभी से मोदी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रवाद को भाजपा से जोड़ा जा रहा है, यकीनन राहुल गांधी की भारत जोड़ो वगैरह कामयाब तो रहे, लेकिन रियासतीय सतह पर जीत दर्ज करने में ठीक थी कह सकते हैं। कर्नाटक में योजनाओं के जरिए थे, जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उसके जरिए भाजपा को शिकस्त देने में कांग्रेस यकीनन कामयाब रही। लेकिन लोकसभा के लिए मोदी की छवि के सामने कोई नजर नहीं आ रहा। महंगाई, बेरोजगारी को बेहतर तरीके से पेश करने में इंडिया गठबंधन कहीं तो नाकाम हुआ है। रियासती सतह पर तो ठीक है, पर लोकसभा के लिए मोदी ही बड़ा चेहरा पेश किया गया। कई जगह पर तो एमपी उम्मीदवार को ही लोग नहीं जानते और उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, पर मोदी के चेहरे पर वोट देकर उन्हें जिता रहे हैं। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन 170 के करीब सिमट सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर की तहरीक को और तेज किया जाएगा। मोदी को गया भगवान की तरह पेश करने की कोशिश जारी है, लिहाजा इस बार मोदी को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। और इस बार तो कहा जा रहा है कि 2024 के बाद क्या चुनाव भी हो सकते हैं,
ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है। इस तरह का कयास कहीं सियासी माहिरीन की जानिब से लगाया था। अब इन सब के मद्देनजर निशाना मुसलमान ही कह सकते हैं। नए कानून मुसलमानों को लेकर बनाए जाएंगे, औकाफ की जमीनों को लेकर भी चर्चा जारी है, मस्जिद मदरसों को लेकर भी बहुत कुछ बदलाव लाए जाने की बात कही जा रही है। यकीनन अगर मुसलमानों को तकलीफ दी जाएगी तो ही भाजपा मजबूत हो सकती है, इस तरह का भी एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है। यहाँ कांग्रेस हुकूमत है पर सिद्धरामैया किसी भी फैसले पर कायम नजर नहीं आ रहे। अभी हिजाब पर ही सिर्फ बयान देने के बाद यूटर्न लेना पड़ रहा है। हुबली में 4,000 करोड़ बजट को 10,000 करोड़ करने पर भी भाजपा ने इन्हें घेर लिया था। कहने का मतलब सिर्फ कर्नाटक में ही कांग्रेस की हुकूमत है तो इस तरह की कैफियत है। अगर भाजपा हिंदुत्व राम मंदिर राष्ट्रवाद को और तेज करेगी तो मुसलमानों के पास क्या रद्दअमल है? अब तक किसी भी जमात तंजीम इदारे ने बैठकर इस पर तबादले ख्याल करते हुए नहीं देखा गया। मुसलमानों के मुगलों की तारीख को बदला जा रहा है, मुसलमानों को लेकर मुल्क की सतह पर नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है और कामयाब भी हो रहे। जब अवामी नुमाइंदों को ही गैर संसदीय तौर पर बर्खास्त किया जा सकता है तो मुसलमानों के लिए कोई नया कानून लाया जाएगा तो कौन एहतजाज करेगा? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। मुल्क की दिशा और दशा फिलहाल तय करना मुश्किल है क्योंकि संविधान खतरे में है और उससे भी पहले मुसलमान खतरे में, पर इसका एहसास न तो मुसलमानों को है और ना ही दिगर सेक्युलर पार्टियों को। यकीनन कर्नाटक में कुछ हद तक राहत हो सकती है पर क्या मुल्क की सतह पर जुल्म जबर का दौर दौराने से तकलीफ नहीं होगी? लिहाजा मुश्किलें बहुत है। अब तो जबानों पर भी ताले लगाए जा रहे हैं। नया ब्रॉडकास्ट बिल इस तरह ताले लगाने पर बहुत बड़ा इकदाम कह सकते हैं जिस पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम सेक्युलर जमातों पार्टियों को बैठ कर सोचना होगा, वरना मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।